हेलो गाइस, श्री शुभा नमस्तुद्यम, वेलकम टू माय चैनल कमलेश भूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं आपके लिए दो और तीन नंबर लड्डू गोपाल की चोली लेके आई हूँ और आज इसका बहुत सिंपल सा एजी सा बहुत सुंदर डिजाइन बनाने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपको ये चोली अगर नहीं आती हो बनाने के लिए तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी, आई बटन और एंड स्क्रीन लगा दूँगी। वीडियो के एंड में आप देखोगे तो इसकी लिंक मिल जाएगी और जब वीडियो स्टार्ट होगी मेरी तो ऊपर आई बटन को लिंक करोगे, वहाँ ऊपर जहाँ आई बटन होता है वहाँ पर आप टच करोगे तो ये इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए गाइस, ये 11 mm की क्रोशिया हुक है, सॉरी उल्टा दिख रहा है, देखिए 11 mm की क्रोशिया हुक है, इसी से मैं बना रही हूँ। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पर सिर्फ स्टिच करती हूँ, यहाँ से सिंगल डबल क्रोशिया के साथ, देखिए मैं दिखा सकती हूँ आपको, यहाँ से सिंगल डबल क्रोशिया के साथ मैं यहाँ पर आके जॉइंट कर देती हूँ। फिर यहीं से इस तरीके से हम बाजू की सीध से ही बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इधर से बनाऊंगी, ये हमारी बाजू की सीध हो गई, यहीं से मैं लॉक करूंगी इस वाले धागे को इस तरीके से, और ये लॉक हो गया गाइस। अब देखिए, एक चेन, दो चेन, और पहले की लॉक करने की एक चेन हो गई तो तीन चेन हो गई टोटल। अब इसी चेन में मैं दोबारा से एक बार डबल क्रोशिया कर दूँगी तो हमारी टोटल एक चेन में, तीन की चेन को भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो एक चेन में हमारी दो बार डबल क्रोशिया हो गई। अब नेक्स्ट चेन आ गई हमारी, इसके अंदर भी हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर दोबारा से इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। गाइस, ये हमारा बेस का पहला राउंड है तो उसमें हम हर चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया करते हुए आएंगे। तो चलिए राउंड कम्प्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है, इस तरीके से करते हैं, दोबारा बता देती हूँ आपको। देखिए हमारा ये अलग हट रहा है, देखिए अब मैं इसको इस तरीके से तीन की चेन में स्लिप स्टिच कर दूँगी। ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया, अब एक चेन लूँगी, फिर एक चेन और लूँगी और तीन चेन तैयार कर लेंगे। तीन चेन जहाँ से बनाई है उसी वाले होल में फिर दोबारा से डाल देंगे हम चेन में। तो एक चेन में दो डबल क्रोशिया कर दी। अब देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे हम इस तरीके से, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर दी और इसी चेन में फिर दोबारा से कर देंगे। तो एक चेन में हमने दो बार डबल क्रोशिया करा है, एक चेन में दो बार डबल क्रोशिया करा है, एक चेन में एक बार, अब दो बार के बाद में फिर एक बार और कर देंगे और फिर देखिए नेक्स्ट चेन में दो बार कर देंगे। तो एक चेन में एक बार और एक चेन में दो बार, इसी तरीके से हम राउंड कम्प्लीट करेंगे गाइस, इस तरीके से देख सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस, हमारा ये दो राउंड कंप्लीट हो गए, अब दूसरा राउंड फिर मैं सिल्प स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। तो इस तरीके से सिल्प स्टिच कर दिया, फिर एक राउंड और बनाऊंगी। तो ये तीन की चेन हो गई, अब देखिए जहाँ तीन की चेन है उसी के अंदर एक डबल क्रोशिया बना दूंगी मैं इस तरीके से। तो दो हो गए, अब नेक्स्ट चेन में एक बार बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार बनाऊंगी और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार बनाऊंगी। तो गाइस, मैंने तीन चेन में एक एक बार बनाया, अब ये चौथे नंबर की जो चेन आएगी उसके अंदर मैं दो बार बनाऊंगी। तो एक बार बन गया, इसी चेन में सेम इसी चेन में दोबारा से फिर बनाऊंगी। तो देखिए एक चेन में मैंने दो बार बनाया है और तीन चेन में एक एक बार, फिर देखिए और दो बार बनाने के बाद में तीन चेन में मैं एक एक बार बनाऊँगी, एक चेन में एक बार, फिर एक चेन में एक बार और फिर एक चेन में एक बार, तीन बार हो गया। अब चौथे नंबर की जो चेन आएगी उसमें मैं दो बार बना दूँगी। चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, अब ये मेरे तीन राउंड हो गए, एक दो तीन राउंड हो गए, अब मैं यहाँ पर इसमें सिल्प स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। सिल्प स्टिच हो गई, अब एक चेन लेके इस धागे को मैं कट कर देती हूँ। देखिए मैंने दूसरा धागा लॉक कर लिया है, मैं यहाँ चेन बनाऊँगी, एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन बना ली गाइस। अब देखिए जहाँ से मैंने पांच की चेन बनाई है उसी के अंदर मैं इस तरीके से डबल क्रोशिया ले लूँगी। तो देखिए एक बार और एक बार, अब ये हमारा इस तरीके से बन के आएगा। अब देखिए फिर मैंने डबल क्रोशिया का धागा लपेट लिया है, उसके बाद एक चेन स्किप करूँगी, दो चेन स्किप करूँगी, ये तीसरे नंबर की जो चेन है इसके अंदर मैं इस तरीके से दो बार में डबल क्रोशिया में निकाल दूँगी। तो देखिए एक हमारा इस तरीके से बना, अब फिर मैंने ये कर लिया। अब देखिए दो चेन लूँगी, एक दो, दो चेन लेने के बाद में फिर डबल क्रोशिया से हम
जहाँ हमने ये वाला बनाया है इसी के अंदर डालूंगी और इस तरीके से डबल क्रोशिया से एक बार और फिर दो बार। अब देखिए हमारा ये इस तरीके से बन के आया है। अब देखिए फिर मैंने धागा डबल क्रोशिया का लपेट लिया है। अब फिर एक चेन स्किप करेंगे, दो चेन स्किप करेंगे और तीसरे नंबर की जो चेन है उसके अंदर हम डबल क्रोशिया इस तरीके से कर लेंगे और फिर देखिए एक चेन बनाएंगे और दो चेन बनाएंगे। फिर देखिए इसी चेन में हम दोबारा से डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे एक बार और दो बार। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से बनेगा। फिर देखिए धागा लपेट लिया और फिर एक चेन स्किप करेंगे, दो चेन स्किप करेंगे, तीसरे नंबर की चेन में इस तरीके से डबल क्रोशिया से मैं जॉइंट कर दूँगी। अब देखिए फिर दो की चेन लूँगी एक बार और दो बार और फिर धागा लपेट के और इसी चेन में जहाँ से हमने अभी चेन ली थी उसी में डबल क्रोशिया से इसे निकाल दूँगी। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है, तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन बन के आया है कंप्लीट। अब मैं इसको स्लिप स्टिच करके बताती हूँ आपको। तो देखिए इधर से तीसरे नंबर की जो चेन है उसके अंदर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी लग रही है पोशाक। तो देखिए ये हमारी इस तरीके से लग रही है, आप देख सकते हो। अब इससे नेक्स्ट देखना कैसे बनाते हैं। तो देखिए पहले हम इसी में एक सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए जॉइंट हो गया। अब देखिए हम यहाँ से धागा लपेटी, ये वाली नहीं ये वाली, इसी के अंदर हमने यहाँ सिंगल डबल क्रोशिया कर ली। अब धागा लपेटेंगे और इसके अंदर ये वाली जो दिख रही है इसके अंदर हम इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, फिर एक बार और करते हैं इसी के अंदर दो, तीन, चार, ये हो गई हमारी पांच, पांच बार हाफ डबल क्रोशिया हमने एक में कर ली इस तरीके से। देखिए ये आ गया हमारा इस तरीके से। अब देखिए इस वाली लाइन में जो हमारी ये वाली होती है ना, दो हैं हमारी, एक इधर और एक इधर, तो हमने इस वाली में करा है। अब देखिए जो हमारा ये वाला आता है होल, तो अब इसमें ही हम इस तरीके से डालेंगे इसके अंदर होल में ऐसे हाफ डबल क्रोशिया कर देता हूँ। हो गई देखिए हमारा इस तरीके से आया है। अब देखिए एक दो तीन, तीन की चेन हो गई। अब इसके जहाँ से स्टार्टिंग करी थी चेन वहीं पर हम इसको सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से, हो गया। अब देखिए फिर दोबारा से इसी होल में हाफ डबल क्रोशिया एक बार कर दूँगी, देख सकते हैं आप। अब देखिए अब जो हमारा ये वाली साइड है, ये वाली साइड, अब इस वाली साइड में मैं हाफ डबल क्रोशिया पाँच बार बनाऊंगी ये वाली साइड इस तरीके से, एक बार दो तीन चार, और ये हो गई हमारी पाँच। अब देखिए अब इससे जो नेक्स्ट वाला ये खाना है ना, इसके अंदर मैं इसको सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी। अब देखिए दिखाती हूँ आपको कैसा बना है। इस तरीके से ये फ्लावर बना है। अब देखिए फिर नीचे बनाएंगे, धागा लपेटेंगे। अब देखिए जो हमारी ये वाली है इसे स्क्रिप कर देंगे यहाँ पर, इसके ये वाली है इसको हम लेंगे इस तरीके से और पाँच बार हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे एक बार, फिर दोबारा इसी चेन में लेंगे, पांच बार करना है गाइस इसी चेन में। तो ये तीसरी बार हाफ डबल क्रोशिया, चौथी बार, चार बार हाफ डबल क्रोशिया, ये हो गई पांच बार हाफ डबल क्रोशिया, पांच बार हो गई। अब देखिए पांच बार हमने इस तरीके से आया है इस तरीके से। देखिए अब मैं हाथ धागा लपेटूंगी और ये जो हमारा बीच का होल है इसके अंदर, इसके अंदर हम डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। देखिए अब फिर देखिए एक चेन, दो चेन और तीन चेन, तीन चेन बनाने के बाद जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी उसी चेन में हम डालेंगे इस तरीके से जहाँ से स्टार्टिंग करी थी गाइस। हमारी ये फर्स्ट चेन है जो देखिए जो हमारी फर्स्ट चेन है यहाँ से इस तरीके से डालेंगे और सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइन कर देंगे। अब देखिए फिर दोबारा से इसी होल में, फिर दोबारा से इसी होल में हम
हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए, अब ये वाली है चेन, इसी चेन में फिर दोबारा से हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे, एक दो तीन चार, ये हो गए हमारे पांच। अब देखिए पांच होने के बाद में देखिए ये यहाँ पर है, इसके अंदर हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से आया है ये, तो इसी तरीके से हमें राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, ये हमारी पोशाक बनके कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो कैसी लग रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। अब देखिए ये हमारी जो पंती है, ये पंती वाली बनाया है हमने, इस तरीके से भी रखोगे तो भी बहुत प्यारी लगेगी गाइस, आप देख सकते हो इस तरीके से रखोगे तो ये फ्लावर टाइप की हो जाएगी, आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। देखो इस तरीके से हम स्टैंड पर इस तरीके से भी रख सकते हैं फ्लावरों को, इस तरीके से भी बहुत प्यारी लग रही है, देखेंगे तो इस तरीके से। अब देखिए इधर की साइड देखोगे तो इस तरीके से साइड बनी हुई आएगी इसकी फ्लावर की, और अगर इस तरीके से बिछाना चाहो तो ये हमारे फ्लावर जैसी बन जाएगी। देखिए बिछा के देखना चाहो तो आप इस तरीके से लगेगी। तो देखिए गाइस बहुत प्यारी लग रही है, आप न्यू बिगनर भी बहुत आसानी से बना सकते हो, बहुत सिंपल डिज़ाइन है, थोड़ा सा ध्यान दे के देखना पड़ेगा, तो बहुत प्यारी लग रही है, कलर कोई सा भी आप चूज कर सकते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।